हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वे सोनाली। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बालों को तेजी से लंबा करने के कुछ चमत्कारी और आसान से उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है प्याज का रस। प्याज के रस में सल्फर होता है जो बालों के बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्याज में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और बालों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में पोषण भी पहुंचाते हैं। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाता है। प्याज का रस बालों में लगाने से बाल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार प्याज का रस बालों में लगाने से बालों के दो मोहे होने की समस्या खत्म होती है, जिससे बालों का तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। प्याज के रस के लिए प्याज को पीसकर छलने से छान लें या किसी कपड़े में डालकर उसे छान लें और इसका रस निकाल लें। अब इस रस को अपने बालों में, खास तौर पर बालों की जड़ों में लगाकर अच्छे से मालिश करें। तकरीबन 1.5 से 1 घंटे तक यह रस अपने बालों में लगा रहने दें। अब 1.5 से 1 घंटे के बाद किसी माइल्ड शैम्पू से या हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लें। प्याज का रस बालों का झड़ना रोककर उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। प्याज का रस आपके बालों को चमकदार और लंबा और घना बनाने में बहुत मदद करता है। दूसरा उपाय है दाना मेथी और कोकोनट मिल्क। लगभग 4 से 5 चम्मच दाना मेथी को रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह उठकर इसका पानी निकालकर फेंक दें और बची हुई दाना मेथी को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें। अब इस बारीक पीसी हुई दाना मेथी में 1/2 कप कोकोनट मिल्क डालकर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को अपने बालों में और बालों की जड़ों में लगाकर 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें। 1/2 से 1 घंटे के बाद अपने बालों को किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से धो लें। दाना मेथी ड्राई बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। दाना मेथी में प्रोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम और निकोटीन एसिड पाया जाता है जो बालों के बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। अगला उपाय है कलौंजी। 1 कप कलौंजी को मिक्सर में बारीक पीस लीजिए। अब इस पिसी हुई कलौंजी को एक बाउल में निकालकर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पानी मिला लीजिए। पानी इतना मिलाएं जिससे यह एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। पेस्ट अधिक पतला नहीं होना चाहिए। इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगाकर 1/2 घंटे तक छोड़ दें। 1/2 घंटे के बाद बालों को अच्छे से हर्बल शैम्पू से धो लें। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। कलौंजी में बहुत से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन होते हैं जो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, यह था मेरा आज का ग्रह सोनाली नुस्खा। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। आप इस जानकारी को लाइक भी कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस ग्रह सोनाली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।